हेलो फ्रेंड्स, जब भी हमको कोई सेकंड हैंड कार लेनी होती है तो कार लेने से पहले हम लोग कई तरीके से गाड़ी को चेक करते हैं, और चेक करना भी चाहिए क्योंकि हम लोग एक कॉस्टली आइटम ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, कोई ऐसा छोटा मोटा है नहीं। तो गाड़ी लेने से पहले हम लोग चेक करते हैं, इंजन चेक करते हैं, सस्पेंशन चेक करते हैं, बॉडी चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। अच्छा, गाड़ी का हम लोग टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं। टेस्ट ड्राइव में क्या क्या चीज़ें हमको चेक करनी चाहिए वो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जब हम कार का टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो हमें गाड़ी को हर रोड पे चला के देखना होता है, यानी कि हाईवे पे भी हमें गाड़ी चलानी है और सिटी में भी ड्राइव करनी है, रफ रोड पे भी ड्राइव करनी है, स्पीड ब्रेकर पे भी जंप पे देखना है गाड़ी की कंडीशन। हमें गाड़ी का टेस्ट क्या क्या करना होता है? गाड़ी का टेस्ट हमको करना होता है इंजन, गाड़ी का सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, स्टेयरिंग, ब्रेक, ये सारी चीजें हम टेस्ट ड्राइव में पता लगा सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक पता लगा सकते हैं। देखिए क्या होगा कि जब भी हम लॉन्ग रोड पे जाएंगे तो एक गाड़ी की पावर हमको पता लगनी चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन क्या स्पीड है इसकी, कितनी लिमिट है, और ये नहीं कि कितनी भाग सकती है, ये कि पावर कितना लेती है, यानी कि अगर मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ तो ओवरटेकिंग में क्या करती है, ये बीच में छूट जाती है या फिर ओवरटेक अच्छे से कर पा रही है, एक पावर का पता लगता है। इससे पता लगेगा कि हाँ, इंजन में अभी तक कितनी पावर बची हुई है। प्लस क्या होता है कि जब भी थोड़ी गाड़ी स्पीड में चलेगी, 80 से ऊपर जाएगी, तो फिर क्या होगा कि आप गाड़ी के गेयरबॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आवाज़ समझ सकते हो, या फिर शिफ्टिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, गियर शिफ्टिंग में आवाज़ आती है, या फिर ऐसा होता है कि ट्रांसमिशन बॉक्स में कोई इशू है तो उसकी नॉइस जो होगी वो नॉइस आपके गाड़ी के स्पीड के साथ वेरी करेगी। शायद समझ रहे होंगे आप लोग कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी और जैसे जैसे स्पीड घटेगी तो वो जो नॉइस होगी वो गाड़ी के ट्रांसमिशन बॉक्स की होगी, और भी हो सकती है, कई व्हील्स वगैरह की भी हो सकती है। जैसे कि अभी मैं हाईवे पे हूँ तो हाईवे पे हमको क्या टेस्ट करना होता है, गाड़ी का एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेट कैसा कर रही है गाड़ी, पावर कैसी ले रही है। अगर मैं थोड़ा सा गाड़ी को स्पीड दूं तो क्या गाड़ी तुरंत मोशन ले रही है, इससे हमको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि गाड़ी की इंजन की कंडीशन कैसी है। कि अभी देखिए कि मैं हाईवे पे हूँ और मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया गाड़ी को, ठीक ठाक एक्सेलरेट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्पीड में आप लोग गाड़ी चला रहे हैं और फिर ओवरटेक कर रहे हैं तो वो गाड़ी वहाँ पे ओवरटेक नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं कि आप लोग चढ़ाई में चेक करेंगे, एक नॉर्मल लिमिट तक जहाँ तक होना चाहिए कि वहाँ तक तो रह गई, लेकिन हाँ, गाड़ी को बिल्कुल ऐसे टूटना नहीं चाहिए। इंजन के अंदर क्या पावर है ये सारा यहाँ पे पता चल जाएगा हाईवे पे। प्लस एक चीज़ और पता लगेगी आपको, गियर बॉक्स की कंडीशन। गियर बॉक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको गियर शिफ्ट करते समय तो प्रॉब्लम लगेगी, साथ में कुछ हमिंग की नॉइज भी आएगी। जैसे कि इस गाड़ी में अभी कोई हमिंग की नॉइज आ नहीं रही है। बॉडी की नॉइज एक डिफरेंट चीज़ है, बॉडी की नॉइज को इसमें ध्यान मत दीजिए क्योंकि बॉडी का नॉइज अलग है। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं सस्पेंशन का सिस्टम। सस्पेंशन चेक करने के लिए देखिए, जो सबसे बेस्ट जगह है वो जगह होती है हमारी रफ रोड। रफ रोड पे टेस्ट करना, और शॉकर की कंडीशन आप हाईवे पे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आगे और पीछे देख लीजिए, आगे पीछे कोई ना आ रहा हो कि वो समझ सके कि आप क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा गाड़ी को लेफ्ट राइट करेंगे, यानी कि बॉडी रोल गाड़ी का थोड़ा सा पता लगाएंगे, ये इस तरह से हल्का सा मैं ऐसे करूंगा, तो गाड़ी बॉडी रोल इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कि ये शॉकर में हमारे गाड़ी के कुछ प्रॉब्लम है। और साथ ही गाड़ी जब भी आप ब्रेक लेंगे, यानी कि जब आप ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी का मोशन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कभी भी लेफ्ट या राइट में नहीं जानी चाहिए। अगर गाड़ी किसी लेफ्ट या राइट की तरफ खींचती है तो इसका मतलब कि ब्रेक में कुछ डिफेक्ट है जिसकी वजह से गाड़ी एक साइड खींच रही है। तो ये तो ब्रेक की बात हो गई। अभी मैं इस ट्रक को ओवरटेक करता हूँ, तो ओवरटेक करने के लिए गाड़ी ने सडनली पावर लिया, यानी कि इंजन के अंदर अभी पावर है। इंजन के अंदर पावर नहीं होती है तो क्या होता है, आपकी गाड़ी टूट टूट के चलती है, वहाँ पे जर्क लेगी या फिर इतना पावर तोड़ देगी, पीछे से धुआं मारने लगेगी। पीछे अभी भी कोई स्मोक वगैरह नहीं दिख रहा है गाड़ी में। अभी ये यू टर्न आ रहा है, यहाँ पे मैं टर्न लेता हूँ। अब जब मैं टर्न लूंगा तो इस यू टर्न पे फुल स्टेयरिंग को कट करूंगा। फुल स्टेयरिंग कट करने के बाद जब हम एक्सेलेटर देते हैं तो एक्सेलेटर देते समय अगर इस गाड़ी के एक्सल में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो एक्सल की नॉइस वहां पे आ जाएगी, या फिर आपको गाड़ी में वाइब्रेशन फील होगी। और इस जगह पे क्लच प्लेट अगर आपकी वीक है तो क्लच प्लेट भी यहाँ पे जवाब दे देगी और क्लच प्लेट भी ऐसे वाइब्रेट करने लगेगी। तो ये सारी चीजें हमने चेक की कि यहाँ पे अभी क्लच प्लेट वगैरह का भी कोई इश्यू नहीं है।
और साथ ही आप गाड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा सा ये माइंड में रखिए, क्योंकि जिससे गाड़ी ले रहे हैं उसको भी बता दीजिए कि मैं टेस्ट ड्राइव थोड़ी सी लंबी लेने वाला हूँ। और आपको अगर लगता है कि उस बंदे को कि अगर वो राजी नहीं होगा तो आप फ्यूल अपना डालिए और फिर आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ टाइम गाड़ी को हाथ में सेट होने में लगता है। अब एग्जांपल के लिए एक साइकिल भी ले लेते हैं, अगर आप अपनी साइकिल छोड़ के किसी दूसरे की साइकिल चलाते हैं तो कुछ टाइम तक आपके हाथ में वो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, आप समझ नहीं पाते हैं एक्चुअल में कंडीशन क्या है। लेकिन जब आप गाड़ी को थोड़ा सा चला लेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि गाड़ी हमने स्टार्ट किया और थोड़ा सा घुमाया 500 मीटर या 1 किलोमीटर घुमा के और हमने टेस्ट ड्राइव ले ली, तो उस कंडीशन में आपको इतना कुछ समझ में आ नहीं पाएगा। पहले गाड़ी को पूरे अच्छे से चलाइए। गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इसमें, कुछ गलत गाड़ी उनके हाथ में पड़ जाती है, या किसी ओनर से लें या किसी डीलर से लें, बात बराबर ही है, कोई इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, डीलर रखते हैं अपनी गाड़ियाँ, थोड़ी बहुत वो ऊपर से टिप टॉप करते हैं, लेकिन आजकल ऑनर भी बहुत समझदार हो गए हैं, जब गाड़ी बेचना होता है उनको तो वो टिप टॉप वाला काम करवा लेते हैं। तो टिप टॉप वाले काम को भी हमको चेक करना होता है, क्योंकि टिप टॉप का काम जो होता है वो ऊपर से कम कॉस्ट का होता है वो काम वो लोग कराते हैं, जिसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आनी होती है कि उस काम को छोड़ देते हैं। गाड़ी जब फर्स्ट गियर में हम उठाते हैं, यानी कि गाड़ी रुक गई, स्टॉप हो गई और फर्स्ट गियर में उठाते हैं, तो उस जगह पे अगर वाइब्रेशन फील होती है, वाइब्रेशन फील हो रही है तो इट मीन्स कि इस गाड़ी के क्लच में कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी ही इसका क्लच काम मांगेगा, क्योंकि जो क्लच है वो स्लिप कर रहा होता है उस समय। अगर क्लच स्लिप कर रहा है तभी आपको वाइब्रेशन फील होगी जैसे फर्स्ट गियर में उठाते समय। और ध्यान रखिए, टेस्ट ड्राइव लेते समय कभी भी म्यूजिक सिस्टम को ऑन मत कीजिए। म्यूजिक सिस्टम आप बाद में चेक कर लीजिएगा, जब टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं तो म्यूजिक सिस्टम को ऑफ कीजिए और फिर शांति के साथ आप टेस्ट ड्राइव लीजिए। टेस्ट ड्राइव में क्या है, आपको एक एक नॉइज सुननी होती है, एक एक चीज को चेक करना होता है, लेकिन फिर म्यूजिक सिस्टम ऑन रहता है तो हमारा ध्यान इधर उधर जाने लगता है। और जब भी टेस्ट ड्राइव लेके आप वापस आएं, ये सारी चीजें करने के बाद जब सारा चीज आपने चेक कर ली, गाड़ी अच्छे से चला ली 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर या जितनी भी चलाई, उसके बाद आप गाड़ी का एक बार बोनट उठा के जरूर चेक करें इंजन की क्या कंडीशन है। अगर इंजन में कोई हीटिंग की प्रॉब्लम होगी, और सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर हीट की होती है कि इंजन हीट हो रहा है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है गाड़ी में तो इंजन हीट होने लगता है, हीटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आई। बोनट खोल के देखिए कहीं कूलेंट वगैरह बाहर तो नहीं आया, यानी चलने के समय जब आपने गाड़ी का ये ड्राइव लिया तो उसके बाद गाड़ी हीट तो होके कहीं ऐसा तो नहीं कि कूलेंट वगैरह कहीं बाहर आ रहा हो, या ऐसा आपको फील हो कि टेम्परेचर कूलेंट इंजन का बहुत ज्यादा हो गया हो, तो ये चीजें भी चेक करने की होती है, लेकिन टेस्ट ड्राइव के बाद, टेस्ट ड्राइव से पहले नहीं। बैक कंप्रेशर अगर गाड़ी में होगा तो वो टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ अच्छे से अच्छा आपको मैं दे सकूं, कुछ बेहतर आपको सिखा सकूं, और सरल भाषा में और आसान शब्दों में आपको बता सकूं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इतना ज़्यादा एक वीडियो में बताना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा इसके पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।